चार तस्वीरों में बंगाल की पूरी सियासत आज घूमती रही। पहली तस्वीर हॉस्पिटल में इलाज करा रही ममता बनर्जी की, दूसरी तस्वीर हमले के आरोप के बाद बंगाल में जगह जगह हो रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की, तीसरी तस्वीर ममता बनर्जी के लिए मंदिरों में हो रही प्रार्थना की, और चौथी तस्वीर हमले के आरोप पर पश्चिम बंगाल में हो रही जबरदस्त सियासत की। सियासत अपनी जगह और सच्चाई अपनी जगह। एक बात 100% सत्य है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में फ्रैक्चर है और हमले के आरोप की जांच जारी है। पूरे मामले पर आज ममता बनर्जी ने हॉस्पिटल से वीडियो मैसेज जारी कर बड़ा बयान दिया। आपको बहुत गौर से ममता बनर्जी के एक एक शब्द को सुनना चाहिए। ठीक जो कल के खूब जोर अमर लेगे छिलो एवं अमर हाथ पाए चोट आछे बोन इंजुरी आछे लिगामेंट आछे और कल के अमर माथा एवं चेस्टे खूब पेनो हुएछे एत बड़ एकटा चोट लागार पर अमर गाड़ी बोनेटेर उपरे आमी दाड़िये नमस्कार करछिलाम ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধে হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো, তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং টিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইবে। মমতা ব্যানার্জি শান্তি বনায় রাখনে কি অপিল কি और बड़ी बात ये बताई कि 14 मार्च तक एक बार फिर वो लोगों के बीच में होंगी, यानी चुनाव प्रचार करेंगी, वो भी व्हील चेयर पर। लेकिन सियासत में जुबानी जंग जारी है। अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उस भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। ये विश्रृंखल करवा चेष्टा ममता बंदोपाध्याय উপর আক্রমণ, আইন শৃঙ্খলার অবনতি করবার যে চেষ্টা। ममता बनर्जी के आरोप के बाद FIR दर्ज हो चुकी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन धाराओं में केस दर्ज हुआ, क्योंकि इसे लेकर भी TMC हमलावर है। पूर्वी मेदिनीपुर में अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC की धारा 341 के तहत गलत तरीके से रोकना, IPC की धारा 323 यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना, IPC की धारा 325 यानी स्वेच्छापूर्वक किसी को गंभीर चोट पहुंचाना। আমি মনে করি যে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ কাজ করছে না, তার কারণ যে মুহূর্তে ওনারা DG বদলালেন তারপরেই এত বড় ঘটনা ঘটলো। ইটস ভেরি আনফরচুনেট। ममता बनर्जी के जख्मी होने को लेकर दो तरह की थ्योरी सामने आ रही। पहली थ्योरी, हमला हुआ जैसा ममता बनर्जी ने और TMC ने आरोप लगाया है। दूसरी थ्योरी, हादसा। हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें पूरा सच कैद है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग पहुंचे TMC और BJP के आरोपों को समझिए। TMC का आरोप नंबर 1, DGP को हटाया और अगले दिन हमला। TMC का आरोप नंबर 2, ममता बनर्जी की जान को गहरी साजिश से खतरा। TMC का आरोप नंबर 3, घटना के वक्त लोकल SP के गायब होने पर शक। BJP का आरोप नंबर 1, मुख्यमंत्री के काफिले में एम्बुलेंस कहां थी। BJP का आरोप नंबर 2, आपातकाल के लिए कौन सा हॉस्पिटल चुना गया था। BJP का आरोप नंबर 3, क्यों ममता बनर्जी को कोलकाता जाना पड़ा। BJP का आरोप नंबर 4, सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले क्या कर रहे थे। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, मार्च 10 तारीख एक BJP सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता दी के साथ ये हादसा हुआ। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए, जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। चुनाव आयोग के दफ्तर से लेकर SSKM हॉस्पिटल तक आज सिर्फ ममता बनर्जी पर हुए हमले की चर्चा होती रही। TMC के बड़े बड़े नेता ममता का हाल जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे।
टीएमसी की नेता और फिल्म स्टार मिमी चक्रवर्ती जब बंगाल सीएम से मिलने पहुंची तो उनकी आंखें छलक उठी। जुझारू ममता आज हॉस्पिटल में और घटना को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से टिप्पणियां आ रही। ये भाजपा पे अगर आरोप लगे तो भाजपा पे का तो ये रहा है इतिहास की चुनाव जीतने के लिए वो कोई भी हटकंडे जो हैं वो अपना सकते हैं, लगातार वो लोग करते रहे। कई बार चोट का शिकार हुई है लेकिन वायरल करने की क्यों जरूरत होते हैं? वायरल करने की इसलिए जरूरत होता है कि बंगाल के लोग को भावुक लोग होते हैं ज्यादा, उनको ये लगेगा कि आह हमारे घर के एक लड़की को, हमारा घर की एक बहन को इससे की चोट लगे और वो भी एक साजिश की शिकार बने, चलो उनको वोट दिया जाए, बस यही इनका असली मुद्दा है। ममता बनर्जी ने हमले का आरोप लगाया है। ये वीडियो उसी वक्त का है जब घटना हुई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहीं पर ममता को चोट लगी। ममता का आरोप है कि इसी भीड़ में मौजूद 4 से 5 लोगों ने प्लान के तहत हमला किया। अब पुलिस जांच कर रही है। ममता का काफिला इसी तरफ से गुजर रहा था और ठीक इस जगह पर जब आती हैं ममता बनर्जी तो ऐसे वो दरवाजा खोल लेती हैं और उनका एक हिस्सा बाहर की ओर होता है और दरवाजा खुला रहता है, पांव बाहर रहता है और अचानक ठीक इसी जगह पे, यहाँ पे जो पोल है ठीक इसी जगह पे ये घटना होती है। अब ये पोल से टकराकर वापस ममता के पांव पे लगा है, उनके हाथ में लगा है या फिर भीड़ की वजह से लगा है ये साफ नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस इसे ममता का चुनावी हथकंडा बता रही, सहानुभूति बटोरने का इमोशनल कार्ड बता रही। अब सवाल है कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ या फिर वो हादसे का शिकार हुई। विरोधियों के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं होती तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी हो, यानी बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।